शुरू ये बोलिंग बरोबर। भारती जी वाह, लड़की ने भी घुसा ही दिया थोड़ा सा इधर अपने। हाँ भारती जी पहले तो इधर से। हाँ चलिए चलिए भारती जी पहले तो पंडित जी को और भी जगह जाना पता है। गणपति जी का आपसे भी ज्यादा पंडित जी बिजी होते हैं। भारती जी गणपति जी का आगमन हो चुका है और आज विसर्जन भी है गणपति जी का। इस साल गणपति जी काफी स्पेशल हो गया, हमें काफी सारी बातें हैं। क्या कहना चाहोगे भारती जी? इस साल गणपति जी बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे घर छोटे गणपति जी भी आए हैं गोला, और हमने भी गोले जैसे गणपति जी आज बाल गणेश लेकर आए, और डेढ़ दिन के गणपति जी हैं। आज थोड़ा सैड सैड फील हो रहा है, और आज मैंने बड़े झुमके भी नहीं डाले क्योंकि आज विसर्जन है। कल बड़े बड़े डाले थे क्योंकि कल वेलकम था ना, आज थोड़ा ऐसे हो रहा है। बट कोई बात नहीं, जो जाते हैं वो वापस ज़रूर आते हैं, और गणपति पप्पा हमेशा खुशियाँ दे के जाते हैं और हमारे सारे दुख लेके जाते हैं। इस बार भी भगवान ऐसे करें। आप लोग हमेशा ये पूछते कि इस बार क्या मांगा, मैं क्या मांगू, हर बारी अच्छे से अच्छी चीज़ हर साल दे देते हैं। बस इस साल यही कहूँगी कि फैमिली के जितने भी लोग हैं, मेरे साथ जुड़े लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सब तंदुरुस्त रहे, काम करते रहे, सबके घर चलते रहे। भारती जी बाल गणेश आपने बैठा है, आपकी कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज गणपति जी को लेके पंजाब में कोई कुछ? नहीं, पंजाब में तो हमने कभी ऐसा गणेश उत्सव देखा ही नहीं था। हम तो टीवी पे देखते थे या कोई फिल्म देखते थे, उसमें होता था, ऐसा कभी देखा नहीं था। जब मैं लाफ्टर चैलेंज के लिए आई थी तब हमने देखा कि लोग गणपति लेके जा रहे हैं, फिर पता किया कि ऐसे ऐसे कोई कोई डेढ़ दिन के लिए लाता है, कोई 3, 5, 7 ऐसे होता है। तो हमने कहा कि उतने ही दिन लाओ जितनी सेवा कर सकते हो, क्योंकि शूट है कल, इसीलिए हम हमेशा से डेढ़ दिन के ही गणपति जी लाते हैं। भारती जी गणपति जी को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, विघ्नहर्ता एक ऐसे इंसान जो हमारी सब विघ्न को दूर करते। आपने कई लोगों की विघ्न दूर की है लाफ्टर, बट मैं जानना चाहूँगा आपके लिए कौन विघ्नहर्ता है और आप किसी के लिए विघ्नहर्ता बने हो रियल लाइफ में? ये तो मुझे पता नहीं कि मतलब ऐसा थोड़ी कि किसी का भला करके हम उससे पूछे कि क्या मैं तुम्हारे लिए विघ्नहर्ता हूँ या मैं मदद की। मैं मेरे को मैं कभी मदद करके मैं शायद मेरे को होता कि किसी को बताना भी मत आप कर कैमरा लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे और कपिल के में कुछ नहीं है, और दोनों ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, कितनी अच्छी बात है कि पैचअप हो गया। नहीं मेरे तो इतने अच्छे रिलेशन क्योंकि हम एक शहर से हैं, एक ही कॉलेज से हैं, भाई बहन है, और कल मैं उन्हीं के घर थी रात को गणपति पे। हाँ ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका के ये शोज थे मैंने ही मना किए थे क्योंकि बेबी होने वाला था, और मैं किसी को भी धोखे में या किसी का पैसे का नुकसान नहीं कर सकती। प्रमोटर्स को मैं बोल दूँ कि यस मैं आ रही हूँ बाद में। मैं पहले जब बेबी नहीं हुआ था तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि कोई बात नहीं मैं बच्चा लेके सफ़र कर लूँगी, लेकिन जब हुआ तो फिर मुझे मना करना पड़ा। मैंने बोला मैं बच्चा लेके सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि जब उन्होंने जाना था तो लक्ष्य यानी कि गोला 40 दिन का था, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पहला बच्चा है, ऐसा भी नहीं कि 8वां बच्चा है, तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं नहीं जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो शो होंगे वो उसमें देखेंगे, और कपिल शर्मा शो में भी आप देखेंगे क्योंकि अभी मैंने कपिल शर्मा शो से पहले ही थोड़ा और ब्रेक जाना था उनका, क्योंकि शो लंबा चल रहा था दूसरा वाला, बट वो आ गए वापस तो मैं शुरू हो गया, मेरी कमिटमेंट कहीं और हो गई, मैंने सारे गामा को कर दी। बट आप अगर सारे गामा और कपिल शर्मा का टाइम क्लैश नहीं हुआ ना तो आप मुझे बीच बीच में देखेंगे, क्योंकि अब मैं एक माँ भी हूँ, अब हर शो में आप मुझे देखने की आदत मत डालिए, क्योंकि बीच बीच में कहीं आऊँगी, लेकिन ज़रूर आऊँगी। जैसे ही गोला थोड़ा बड़ा हो गया, पर लोग बोलते हैं जो जो बच्चे बड़े होते जाते मुश्किल बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी है पहचानता नहीं है, जहाँ भी चले जाओ उसको दूध ही वो चाहिए, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब पता नहीं क्या होगा। भारती जी आपका अपना शो भी है, जो अपना चैनल है, अपने शो में वो चैनल को इतना प्यार मिला, वो शो को इतना प्यार मिला, बहुत प्यार, उसका सेकेंड पार्ट के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही जानना चाहती थी, ऐसे अच्छे वाले सवाल पूछा करो भाई। सो जैसे इंडियन गेम शो किया था, इंडियन गेम शो 100 सेलिब्रिटी आए थे, वैसे सीजन 2 भी हम लोग कर रहे हैं भारती टीवी पे। धीरे धीरे हमको लगा जैसे दुनिया पूरी डिजिटल पे जा रही है, OTT हो रहा है, तो हमें भी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अरे 9 बजे वो आ रहा तो वही देखेंगे, अभी 9 बजे आप कहीं और हो तो वो चीज़ छूट जाएगी, इसीलिए मोबाइल आ गए हैं, गाड़ी कोई और चला रहा, कान में हेडफोन, एपिसोड पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे चल के सब OTT पे आने वाले, तो अभी से क्यों ना शुरुआत करें। सो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, और मैंने देखा है कि जब भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, जैसे मैं मेरे घर में हाउस हेल्प है या बेबी के, मैं उनसे बात करती हूँ या ड्राइवर दादा से बात, तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग भी ना हमारी रियल लाइफ देखना चाहते हैं, बिना मेकअप के बेड पे सोए उठे आएगा जैसे, क्योंकि तैयार होके तो देखते ही हैं,
इसलिए मुझे लगता है थोड़ा नेचुरल शूट करना चाहिए, इसलिए आप लोग आए तो मैंने थोड़ा नेचुरल शूट किया ताकि मेरा आज व्लॉग जाने वाला आप लोग भी देखना। इसके अलावा नया शो आ रहा है, नई शुरुआत होने वाली है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो नए शो के लिए? बड़ी एक्साइटेड हूँ, और बच्चे हैं वहाँ पर तो मुझे गोले की बहुत याद आया करेगी, और कोई बात नहीं मैं बीच बीच में उसको बुला लिया करूँगी, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जी के साथ मेरा पहला शो है जो मैं पूरा कर रही हूँ, वरना कभी गेस्ट बन के गई हूँ, कभी होस्ट किया है, ये पूरा है, और डर बहुत लगता है, और मैं इतना काम कर चुकी हूँ लेकिन आज भी पता नहीं मुझे क्यों इतना डर लगता है। बैक स्टेज खड़ी होती है ना, मेरी इधर से पसीने निकल रहे होते हैं, इतना ऐसी तेज़ होता है, बट वो डर मतलब डर ना सिर्फ कुछ ही सेकंड का होता है, लेकिन जब मैं स्टेज पे चली जाती हूँ और दो तीन बातें बोल दी ना, फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कैमरे हैं सामने, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, पागल ही हो जाती हूँ। कभी कभी तो कान में बोलते बस बस भारती बस बस खत्म, इतना टाइम नहीं है, तो मुझे बीच में रोकना पड़ता है। बट ये सब गॉड गिफ्ट है, क्योंकि ये सरस्वती माँ की देन है कि स्टेज पे जाके अगर किसी को बात आती है ना तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना स्टेज पे जाके लोग बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और हमें भी बहुत डर लगता है, और मैं हमेशा ही स्टेज पे चढ़ के ही मतलब डर के ही चढ़ूंगी, है ना। लास्टली गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया।